हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें, जिससे आप पढ़ सकें डेली वर्ड ऑफ गॉड को सबसे पहले। आइए हम मेरी भविष्यवाणी के पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर क्यों अलग करता है। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 की 9 आयत में लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर की एक बुलाहट आपके जीवन में होती है। जैसे अब्राहम के जीवन में उसको आशीषित करने के लिए परमेश्वर की एक बड़ी, बहुत बड़ी बुलाहट थी। जब हम बाइबल में उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम उस देश में गया तो उसका भतीजा लूत भी उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर की योजना सिर्फ अब्राहम के ऊपर थी। लेकिन क्या वहाँ उस देश में जाने से परमेश्वर का वह वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि अभी तक अब्राहम की आत्मिक आंखें बंद थीं, और अब्राहम की आत्मिक आंखें तब तक बंद रहीं जब तक लूत उसके साथ रहा। मेरे प्रियो, जब तक अब्राहम का भतीजा लूत उससे अलग नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर का वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से लूत को अलग करने के लिए उन दोनों के चरवाहों के बीच झगड़ा करवाया और लूत अब्राहम से अलग हो गया। और जैसे ही लूत अब्राहम के जीवन से निकला तो यहोवा ने अब्राहम को दर्शन में कहा कि अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और फिर वह सिद्ध बना और परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को इसलिए निकालता है ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें और अपनी आशीष को ग्रहण कर सकें। क्योंकि कई लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपकी आशीषों को रोक कर रखते हैं। वह आपका प्रिय मित्र भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अलगताई को मांगता है। जो लोग आपकी आशीषों को कम करने वाले हैं उनको परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा, और जो लोग आपको परमेश्वर में बढ़ाने के वाले होंगे उनको आपके जीवन में रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर वह व्यक्ति जिससे परमेश्वर नहीं चाहता कि वह आपके जीवन में रहे, जब वह आपसे दूर हो तो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कर रहा है वह आपको आशीषित करने के लिए है। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो सके। आमेन, आमेन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन से उन लोगों को निकालें जो आप नहीं चाहते कि वह मेरे जीवन में रहें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।